माह का समापन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में किया गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने यातायात पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए आमजन से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं यातायात माह के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर आरटीओ अनीता सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर एमपी सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। जिम्मेदार लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारी यहाँ बेटियां या स्वयं को ड्राइवर काम कर रहे हैं, खुद हम लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इसलिए ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। सबसे जब हम सड़क पे होते हैं तो सबसे ये बहाना होता है लोगों का कि मैं हॉस्पिटल जा रहा था इमरजेंसी में, इसलिए हेलमेट नहीं लगाया। ये तो और भी बड़ी मूर्खता है कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं इमरजेंसी में अपने रिलेटिव को देखने के लिए, अपनी मदर को देखने के लिए, अपने फादर को मामा से मिलने के लिए, तब आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी है मैं दवा लेने आया था। होम मेकअप के साथ साथ सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का, कंट्रोल का, घर पे अंकुश लगाने का, और घर से ये रेसिडेंस होगा तो निश्चित रूप से हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। तीसरा सर जायसवाल, ये देखिए कॉलेज, और तीसरा पुरस्कार शिवांश पांडे, अमन राज सिवाई महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, प्रथम पुरस्कार क्विज प्रतियोगिता मिश्रा, और तीसरा शिवांश पांडे। प्रतियोगिता में सृष्टि शर्मा दौड़ के आई है पहला पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार है कवन गौरी बाजार दिवंगत। माननीय विधायक जी इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। क्विज प्रतियोगिता मंजीश शाही, राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर। जितने बच्चों ने अभी पुरस्कार, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बताया, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारतवर्ष सड़क सुरक्षा की जानकारी लोगों को कैसे मिले, कैसे अवेयरनेस उनके बीच तक फैलाई जाए, इसके लिए जो है ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, मैं विभाग को भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े हादसे होते हैं। अगर हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित है ये जो छोटी गलतियों से जो बड़े हादसे होते हैं उससे हम निजात दिला सकते हैं। तो ये स्वयं को जागरूक करना बच्चों के अंदर इस तरह की, क्योंकि यही बच्चे कल आगे चल के फिर जो है, जो तमाम आपने देखा कि विद्यालयों के बच्चे आए हुए हैं, इनके माध्यम से भी समाज में अपने बड़े बुजुर्ग को और अपने से छोटे को, सबको ट्रैफिक के नियम के बारे में बताना कि कैसे हम रेड जो हमारी जो लाइट है उसको देख के रुकना है, जो पट्टी लगी हुई है वहाँ पर हम रुक जाएँ, या हमें रुकने के पहले जो है हम जो लाइट अपनी देते हैं, जो सर्च लाइट, जो इंडिकेटर लाइट कहते हैं, हम उसको देखें तुरंत न मुड़ें। हमें मुड़ने से कम 50 मीटर 100 मीटर पहले ही हम जो है इंडिकेटर दें, ताकि पीछे की जो सवारी है उसको ये पता हो कि हम दाहिने या बाएं कहाँ मुड़ना चाहते हैं। जनरली होता क्या है कि जानकारी के अभाव में मैं इंडिकेटर हमने दिया और तुरंत मुड़ गए, पीछे की सवारी को ये आभास नहीं रहता है कि ये व्यक्ति कब मुड़ेगा, और इंडिकेटर देते जैसे मुड़ती है वो अपने स्पीड को नहीं कंट्रोल करता, उससे जा कर के वो भिड़ जाता है तो एक्सीडेंट होते हैं। हम ओवर स्पीड में चलते हैं, ओवर स्पीड चलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्पीड वही रहे जो हम कंट्रोल कर सकें। कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में होना चाहिए, और जब हम स्वयं ट्रैफिक के नियमों का अगर पालन अपने जीवन में उतार लें तो मैं समझता हूँ कि ये सब दुर्घटनाएं नहीं होंगी। जैसे हमें हेलमेट लगाना,
हेलमेट जो है ISI जो मार्क का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हेलमेट तो बहुत से मार्केट में बिक रहे हैं जिसके लगाने से ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हैं, तो अच्छा हेलमेट चाहिए, ISI मार्क का ही हेलमेट हम प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ड्राइविंग लाइसेंस हम अपने जो परिवहन विभाग से उसे बनवा लें, उसमें जो एज फैक्टर है उसका भी हम अपने गार्जियन से सभी अपने जो पिता तुल्य हैं उनसे भी निवेदन करेंगे चैनलों के माध्यम से कि छोटे छोटे बच्चों को जैसे हम लोग जो ये गाड़ियों की चाबी दे देते हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए कि चौराहे से जा कर के ले आओ, नहीं करना।